नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कैसे नेम चेंज किया जाए एग्जिस्टिंग कंपनी का, या अगर आपकी कोई भी कंपनी है जिसका आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो वो किस प्रक्रिया से होगा, किस तरीके से होगा, किस हिसाब से होगा, उन सारी चर्चाओं पे, उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस, उन सारी प्रॉब्लम्स का हल मैं लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो उसे दबा दो और सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमें नेम बदलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, क्योंकि रीब्रांडिंग का टाइम है। अगर मैं रीब्रांडिंग के बारे में बात करूं तो सबसे बड़ी रीब्रांडिंग आजकल जो चल रही है वो है वोडाफोन और आइडिया की। जब से वोडाफोन और आइडिया एक साथ मर्ज हुए हैं, एक साथ कोलैबोरेट किया है इन्होंने, तभी से एक नया लोगो, एक नया सॉन्ग, एक नई चीज़ शुरू हो गई है। ऐसा आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि आपको पुराने नेम पे क्लाइंट नहीं मिल रहे हों, पुराने नेम पे काम नहीं मिल रहा हो, पुराने नेम पे कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप अपने ब्रांड को रीब्रांड कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी का नाम कभी भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। आइए जानते हैं रीज़न क्या होती है नेम चेंज करने की। तो बहुत सारे रीजंस हैं, अब उन्हें मैंने लिस्ट किया हुआ है, उनके ऊपर हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहला है, योर बिजनेस नेम इज़ टू स्मॉल, मतलब आपका बिजनेस का जो नेम है वो बहुत स्मॉल है और आप उसे चेंज करना चाहते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ वे से, तो आप उसका नाम बदल सकते हैं। दूसरा है, योर कंपनी नेम इज़ टू बिग, हो सकता है कि आपकी कंपनी का नाम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेंटेंस में आता हो और उसकी वजह से दिक्कत क्या आ रही हो, आपको क्लाइंट ना मिल रहे हो। तीसरा, योर कंपनी नेम इज़ टू जनरल, मतलब आपकी कंपनी का नाम इतना जनरल है, इतना जनरल है जैसे जनरल स्टोर, तो उस पर कौन ध्यान देगा यार। अगर उसका नेम यूनिक नहीं होगा, उसका नेम आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगा, उसका नाम चीज़ ही नहीं होगा, तो दिक्कत होगी। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, नाम। अब रॉकी तो रॉकी है और राघव तो राघव ही है, तो रॉकी और राघव में डिफरेंस तो है ही है ना। यू हैव गॉट ए लेगेसी नेम दैट्स आउटडेटेड और इररिलीवेंट। देखिए देखिए, आप अब तक जो कंपनी चला रहे थे वो आपके पूर्वजों ने या आपके जितने भी एंसेस्टर्स हैं उन्होंने शुरू करी होगी। हो सकता है आप सक्सेसर हैं तो आपको वो कंपनी कैरी ऑन करनी पड़ रही है फॉर सर्वाइवल एंड फॉर बिजनेस एंड फॉर एक्सपेंशन ऑब्वियसली। बट आउटडेटेड नेम और इररिलेवेंट नेम जो लेगेसी में आपको मिला है, क्या आप उसे बदल के आप एक्सपेंशन नहीं करना चाहते? अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी एक रीज़न है और इसका आप लाभ उठा सकते हैं। हो सकता है आज तक आपने ये चीज़ सोची ना हो, ये चीज़ समझी ना हो, ये चीज़ पे ध्यान ना दिया हो, बट आज मेरे इस पॉइंट की वजह से आपने ध्यान दे दिया। अब ध्यान दे दिया तो लाइक भी कर दो। अच्छा, यू हैव गॉट ए लेगेसी नेम दैट्स हर्टिंग बिजनेस। हो सकता है कि आपकी जो लेगेसी का नेम है वो आपके बिजनेस को हर्ट कर रहा है। कई जगह ऐसा होता है कि पुराने नाम इतने पुराने होते हैं कि उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है। अगला पॉइंट देखिए, यू आर रेडी टू मूव फ्रॉम फ्रीलांस टू स्केलेबल। आप फ्रीलांसर के तौर पे काम करते थे आज तक, अब आप स्केलेबल बिजनेस करना चाहते हैं। अब फ्रीलांसर से स्केलेबल बिजनेस मॉडल में अगर आपने जाना है तो सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप अपने बिजनेस का नाम बदल दो। ऑब्वियसली अब तक आप सोल प्रोपराइटर में थे, हो सकता है अब आप कंपनी में जाना चाहते हो तो अपनी कंपनी बनाओ ना, सिंपल सा एस्पेक्ट। अगर कंपनी है और फ्रीलांसर के तौर पे काम करते थे, इंडिविजुअल नेम पे काम करते थे, आप कंपनी के नाम में काम करना चाहते हो, कंपनी वही रखना चाहते हो, तो नाम बदल दो, सिंपल। पैसे बचाओ दोस्तों, पैसे बचाओ। योर नेम कांट बी फाउंड ऑनलाइन, आपका नाम आज तक ऑनलाइन नहीं था, तो आपको ऐसा नाम चुनना चाहिए जो ऑनलाइन आपको तड़क भड़क दिलाए, थोड़ा मसाला क्रंच, ठीक है ना, यही चीज़ें चलती है ना आजकल, थोड़ा सा फ्लेवर, ठीक है। तो योर कस्टमर कांट रिमेम्बर, कांट स्पेल और कांट प्रोनाउंस योर कंपनी नेम। अब अगर मैं बोलूँ, कई ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जो जर्मन कंपनीज है, इटालियन कंपनीज है, ठीक है, बहुत सारी है। हमारे कुछ लोग होते हैं, उसे प्रोनाउंस तो छोड़ो, उनको बोलते भी बहुत अजीब के तरीक से हैं। जैसे सपोज मैं बोलूँ स्नाइडर, स्नाइडर का मतलब स्नाइडर। अब स्नाइडर को कई लोग क्या बोलते हैं, स्कैंडलार। अब उसमें क्या, तो नाम बचा उस कंपनी का, और अगर आपने उस कंपनी के सामने या उसके किसी बंदे के सामने या किसी सीनियर के सामने वो नाम ले दिया तो हो गया ना काम। तो फिर तो अब हर कोई कंपनी कैन नॉट बी ए पतंजलि कंपनी, सो इट्स अप टू यू, क्योंकि पतंजलि नाम बहुत कॉमन है ना, तो आप आसानी से ले सकते हो, ठीक है। योर बिजनेस नेम इज़ होल्डिंग यू बैक पर्सनली, आपके बिजनेस का नाम कुछ ऐसा था जो आपको आज तक रोक के रखा हुआ था।
हो सकता है क्या पता, कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी नाम बदलने से कई चीज़ें बदल जाती हैं, तकदीरें बदल जाती हैं। अगर मैं बोलूँ तकदीरों के साथ किस्मत बदल जाती है, तो हो सकता है आपकी कंपनी का नाम अगर आप बदल लो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाए। अब ये बहुत ऑब्वियस ही बात है, अगर आप इन सारे सारे रीजंस पे ध्यान दोगे जो मैंने कर्सर हिला के दिखाया ना यहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं एक रीज़न ज़रूर मिलेगा जिस पर अगर आप सोच डालें तो आपको ज़रूरी है नाम बदलना। अब नाम बदला कैसे जाएगा? सबसे बड़ी खीर, सबसे बड़ी सब्जी, सबसे बड़ा व्यंजन तो नाम बदलना है ना। अब नाम तो बदल जाएगा बट प्रोसीजर क्या होगा? भाई डॉक्टर ने कहा आपको बीमारी है, अब बीमारी का कोई ना कोई ट्रीटमेंट तो ज़रूर होगा ना। तो अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट ये है, स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे नेम चेंज के बारे में। तो आर्टिकल एंड नथिंग एल्स, देखिए हम सारी बातें बात करेंगे। तो पहला है आपको बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपनी की, ठीक है? कंपनी बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेगी, एक तरीके से करवाएगी, पास करेगी नेसेसरी रेजोल्यूशन और चेंज कर देगी नाम को। बोर्ड क्या करेगी, कंसीडर करेगी, फाइनलाइज करेगी नए नेम को, कंपनी के सब्जेक्ट के हिसाब से अप्रूवल दिलाएगी इसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेक करेगा क्या वो नाम अवेलेबल है या नहीं है, और आपको अगर वो मिल गया बल्ले बल्ले, फिर क्या बचा? अच्छा, स्टेप टू जो है एप्लीकेशन नेम अवेलेबिलिटी का, वो ये है कि हाँ जी आफ्टर पासिंग नेसेसरी रेजोल्यूशन, जब आप नेसेसरी रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो नेक्स्ट स्टेप होगा न्यू नेम को अप्रूव कराना सीआरसी से। अब ये सीआरसी क्या बोला है, क्योंकि आपने आज तक सीआरसी के बारे में नहीं सुना, तो सीआरसी के बारे में सुनने के लिए मैं एक बात बता देता हूँ। सीआरसी मिनिस्ट्री ने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था जिसके थ्रू आप नेम चेंज कर सकते हो, नेम बदल सकते हो, नेम ले सकते हो। देखिए दिस कैन बी डन बाई अप्लाइंग फॉर न्यू नेम रिजर्वेशन। अब ये नया नेम तो भैया सीआरसी के थ्रू ही आएगा। देश में जितनी भी कंपनियां बनती हैं, जितने भी नाम चेंज होते हैं, जितनी भी नेम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, वो एक डिपार्टमेंट है सीआरसी हरियाणा में, सब कुछ वहीं से ही होता है। तो जितनी भी सारी जो है ना चीज़ें वो वहीं से होती हैं। वेब सर्विस होती है, रिजर्व यूनिक नेम सर्विस हो जाती है, आपका नेम यूनिक सर्विस के तौर पे रिजर्व हो जाता है, आप उसे रिजर्व करा सकते हैं, नई रिक्वेस्ट दे सकते हैं, आपको सिन नंबर देना होता है कि हाँ जी ये चेंज करना है मैंने, मेरा नया नेम है ये, ठीक है? और प्रपोज नेम देना होता है कि हाँ जी मैक्सिमम आप कितने भी नया नाम दे सकते हो, चार पाँच नाम तो दे ही सकते हो। कमेंट सेक्शन में पूरी सारी चीज़ें होती हैं, फाइल टैब्स वगैरह होती है, वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो आपका कंसल्टेंट आपकी मदद कर देगा पूरी तरीके से। तो आपको नाम चेंज कराना है। अब नाम चेंज कराना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि दो स्टेप्स तो हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे की बातें करते हैं, क्योंकि आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा। तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है, अगर आपने मिस करी तो हो सकता है आपके लिए दिक्कत हो जाए। तो इस वीडियो को मन ना होते हुए भी पूरा देखने के लिए मैं अब आपको रोचक तथ्य दूंगा, मतलब इसको थोड़ा सा और ह्यूमरस बनाऊंगा कंटेंट को। रीज़न अगर मैं ह्यूमरस नहीं बनाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना आपको। तो पॉइंट क्या देखने वाली चीज़ है, प्रपोज सेलेक्टेड नेम्स जो होने चाहिए वो यूनिक और डिफरेंट होने चाहिए, सिमिलर और एग्जिस्टिंग नेम्स के साथ टोटली यूनिक होने चाहिए। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स का ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब बंटा लाल और संटा लाल ऐसे नाम तो मिलने से रहे, और ऐसी कोई कंपनी जो पहले से रजिस्टर्ड है ट्रेडमार्क में या उसका नाम किसी और कंपनी ने ले रखा है तो वो नाम भी नहीं मिलना। तो बहुत सोच समझ के अप्लाई करें। वन मस्ट कीप इन माइंड, देखिए रूल 8 की बहुत ज़रूरत है, क्या करें? देखिए 2018 भी हमें बहुत याद आता है, क्यों? क्योंकि कोरोना नहीं था, और 8 भी हमें बहुत याद आता है। तो बिफोर अप्लाइंग नया नेम, चाहे वो स्पाइस से करो, चाहे वो रन से करो, चाहे नए किसी भी एस्पेक्ट से करो, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको यूनिक नेम लेना है, आपको ऐसा नाम लेना है जो बिल्कुल यूनिक हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, और कहीं ना कहीं वो ट्रेडमार्क में कहीं फेल ना हुआ हो, या किसी ने उसका नाम पहले से ना ले रखा हो, या ट्रेडमार्क ना ले रखा हो। अभी कौन चेक करेगा? कंसल्टेंट चेक करेगा। तो बताऊंगा अभी सारी चीज़ें खोलूंगा धीरे धीरे, बट एक साथ खोल दी तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना आपको, क्योंकि मज़ा का बात है धीरे 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 धीरे। तो वंस नेम इज़ अप्रूव्ड बाय सीआरसी, अगर आपका नाम सीआरसी डिपार्टमेंट के थ्रू अप्रूव हो गया, तो सेम नेम जो होगा ना वो रिजर्व हो जाएगा, मैक्सिमम पीरियड जो होगा 60 दिन के लिए, और विल बी विड्रॉन। अगर आपने उन दौरान अपना नेम चेंज नहीं किया तो वो नाम आपको नहीं मिलेगा। चालान 1,000 रुपये का पे होता है, और मेनली क्या होता है इसमें प्रोफेशनल अपनी फीस भी लेते हैं, सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि नाम चेंज कराना जो है ना दिखता आसान है बट बहुत
टेढ़ी खीर है, बहुत तकड़ी सब्जी है, बहुत डिलीशियस व्यंजन है। क्यों? मेहनत ज़्यादा है ना, तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है। अब बता तो मेहनत क्यों है ज़्यादा? क्योंकि एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग होगी तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। जो नेम रिजर्व किया है सीआरसी पे आपने, उस कंपनी को वो ईजीएम के थ्रू दिखाएंगे कि हाँ जी मेंबर जो है कंपनी के पास नेसेसरी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए तैयार है, अप्रूवल हो सकता है इस चेंज ऑफ नेम का, और ऑल्सो अप्रूव कर दिया हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब वो भी चेंज कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो जान है ना कंपनी की। अब आपने नाम बदल लिया और जान नहीं बदली, फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसीलिए तो बोलता हूँ दोस्तों, इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि लड़कियाँ शादी करने के बाद सरनेम क्यों बदल देती हैं? इसी वजह से, जान बदल गई ना, और पहले अपनी जान थी। अब समझो, थोड़ा सा ह्यूमर डाल रहा हूँ मैं कंटेंट को थोड़ा, ताकि आप बोर ना हो। ऑब्वियस ही बात है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे फाइलिंग के लिए? देखिए, जब भी आप नाम बदलते हैं ना किसी कंपनी का, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। जैसे कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ही बात है स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप पास करोगे, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि आप अप्रूव करोगे चेंज ऑफ नेम को, ठीक है, कंपनी फाइल करेगी मैंडेटरी फॉर्म्स को विद इन 30 डेज विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ई फॉर्म MGT 14 में जाएगा, ठीक है, और 30 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जाना चाहिए। मैंडेटरी अटैचमेंट्स का क्या होनी चाहिए? नोटिस ऑफ ईजीएम लगेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ, कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगी, कॉपी ऑफ अल्टर्ड एमओए और एओए लगेगा, ई फॉर्म INC 24 लगेगा, शेल बी फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। देखिए, मैं सारी चीज़ें पता क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आप में से कई लोगों की समझ में नहीं आने वाली। रीज़न आपको इसलिए पता होना चाहिए कि कल को आपको ये ना लगे कि हमारा प्रोफेशनल हमारे को सी बना रहा है। तो आपने सी नहीं बनना, आपने क्या बनना, आपने इंटेलिजेंट बनना है। आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने उसके सामने रख देना है, और उसको बोलना है देखो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अब आप मुझे बताओ कैसे कैसे करना है, किस किस तरीके से करना है, हमें तो पता ही है। आपने उससे काम करवाना है, ये बात तो पक्की है, बट थोड़ा सा इंटेलिजेंट बन के काम कराना, तभी मज़ा आएगा ना। उसको भी लगेगा हाँ हमारा डायरेक्टर थोड़ा मोर इंटेलिजेंट है, मोर वेल वर्स है। वैसे आप हो मैं जानता हूँ, बट उसको शो करना पड़ेगा। ये चलते हैं डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के ऊपर। देखिए, लिस्ट ऑफ मैंडेटरी अटैचमेंट मैंने बता दी थी, ये सारी चीज़ें जाएंगी, और कंसेंट ऑफ मेंबर्स जाएंगी ईजीएम के लिए कि शॉर्टर नोटिस पे ईजीएम करनी है और नाम बदलना है। अब एक्शन क्या क्या चाहिए जो चेंज के लिए होंगे? देखिए, अल्टरेशन वो करनी पड़ेगी मेमोरेंडम और आर्टिकल में, प्रिंटिंग करनी पड़ेगी फ्रेश आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम की, प्रिंट करनी पड़ेगी नया नेम और नई स्टैम्प, ऑफिस प्लेस पे बिजनेस पे जो भी जहाँ भी आपने लेटर हेड्स हैं, जितने भी चीज़ें, यहाँ तक कि आपका पैन कार्ड के ऊपर भी नाम बदलेगा कंपनी का, तो ये सारे चेंजेस भी होंगे। आप समझ में आ रहा है कि प्रोफेशनल फीस क्यों लेता है? क्यों? क्योंकि मेहनत ज़्यादा लगती है ना। हैव इट्स नेम एंग्रेव्ड, अगर कहीं एंग्रेव्ड है सील पे या कहीं ऐसी चीज़ पे, तो वो भी बदलवाना पड़ेगा। प्रिंट करना पड़ेगा नया नाम बिल हेड्स पे, लेटर पेपर्स पे, लेटर हेड्स पे, नोटिसेस पे, पब्लिकेशंस जितनी भी जाती हैं आपकी, एनवलप्स वगैरह सब पे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए नाम बदलें, नाम को चेंज करें, ठीक है, बिना इसके दिमाग इधर उधर खपाए ना, ठीक है। अब प्रिंटेड जो भी आपकी प्रॉमिसरी नोट्स थे, बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो आपकी चेकबुक थी, वो भी बदलवानी पड़ेगी, बैंक्स में भी डिटेल बदलवानी पड़ेगी, बदलवा लो ना, क्या दिक्कत है? नाम बदलेगा तो किस्मत बदलेगी, हो सकता है बिजनेस बहुत अच्छा हो जाए। अब कंपनी क्या है, चेंज कर देगी अपने नाम को 2 ईयर्स के विदिन विदिन, तो सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, रबर स्टैम्प, स्टेशनरी वगैरह वगैरह, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। अगर आपने PF ESI ले रखे तो वहाँ पे भी नेम चेंज होंगे, बैंक अकाउंट में भी मैंने बताया पैन और पैन कार्ड में नेम चेंज होंगे, यूटिलिटी सर्विसेज में चेंज होंगे, ठीक है, आपने कोई लोन ले रखा है तो वहाँ भी चेंजेस होंगे। तो द व्हेन एंड हाउ ऑफ चेंजिंग योर बिजनेस नेम एंड रीब्रांडिंग, मतलब कब बदलना चाहिए और किस तरीके से बदलना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। देखिए, इंसान को कोई भी काम जल्दी में तो नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको लग रहा है कि इस नाम की वजह से मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है जो पुराना नाम है, तो आपको बदल देना चाहिए, फिर तो आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए ना। तो वेन का मतलब तो भाई वाई से रिलेटेड है कि हम अपना नाम क्यों बदल रहे हैं अपने कंपनी का, और वो मैंने बताया था कि बहुत सारी रीजंस होते हैं, शॉर्ट, लॉन्ग, लेगेसी नेम, ठीक है, नाम से कुछ मज़ा नहीं आ रहा, नाम से कोई बिजनेस नहीं हो रहा। कई बार लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं जी मेरे को क्लाइंट नहीं मिल रहे, हो सकता है आपका नाम ऐसा हो कंपनी का कि आपको नाम ना मिल रहा। अब हाउ,
हाउ की बात मैं बताऊंगा अभी। दोस्तों वीडियो पसंद आया ना, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और सब्सक्राइब कर लिया और बेल बटन नहीं दबाया तो वो भी कर दो। अब अगर आपकी कोई भी क्वेरी है नेम चेंज करने की, आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको रिलेटेड कोई क्वेरी है कि हाँ जी इसको सॉर्ट आउट कर दो, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो अपनी क्वेरी को। बट ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, ना इसे माना जाए। आप मुझे मेल ज़रूर करें, मेल का ऑप्शन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है और मेल पे मैं रिप्लाई सबसे क्विक करता हूँ। रीज़न, मेल इज़ वेरी ऑप्शनल एंड बहुत आसानी से हो जाती है। अब हम आते हैं पिछली वाली स्लाइड के ऊपर, हाउ हमें नेम चेंज कैसे करना। देखिए आप सारी चीज़ें खुद नहीं कर सकते, रीज़न फॉर बीइंग जिस चीज़ के लिए जो बंदा बना हुआ है वो चीज़ वही करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर आपने कोई गलती कर दी तो पता चला जो पहले का नाम था ना वो भी ख़राब हो गया और नया नाम बदला भी नहीं। होल्डिंग, तो मैं यही बोलूँगा कि आप किसी कंसल्टेंट से कराएं, किसी अच्छे कंसल्टेंट से कराएं, तो आप ये तो देख ही रहे हो ना, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मैं ज़्यादा तो कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है, इंसान हो तो। दोस्तों अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और अपने नाम को जल्दी से जल्दी चेंज कराइए, है ना, अपने नाम को नहीं अपनी कंपनी के नाम को, ठीक है। अपना ध्यान रखिए और अपने बिजनेस को बढ़ाते रहिए। वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा कम बोर किया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। थैंक यू सो मच।